नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। हमने पीछे की दो क्लास में कंप्लीट किया था, प्रीवियस ईयर से उठाए थे जो परिसंचरण तंत्र है, आज उसके ब्लड परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। पीछे हमने किसके बारे में पढ़ा था, जो हमारा पाचन तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज शुरुआत करते हैं हम रुधिर परिसंचरण तंत्र से, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना साथ साथ। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के सकंदन में निहित है, रक्त के है भाई ये, रक्त के सकंदन में निहित है। देखो ध्यान देना, इसने पूछा है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, वैसे देखो हमने पीछे पढ़ा था कि रक्त के सकंदन में विटामिन अगर पूछता है आपसे तो कौन सा विटामिन है, विटामिन के आपको पढ़ाया था। अब इसने पूछा है रक्त के सकंदन में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहा है हमारे शरीर में, इसके बारे में पढ़ लेना भाई। प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। रुधिर में 55% जो भाग होता है वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको, 55% प्लाज्मा, और जो खुद प्लाज्मा होता है ना उसमें 92% वॉटर होता है। ठीक है, अब ध्यान देना है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो रुधिर में जो प्लाज्मा है ना वो कितने परसेंट होता है, 55% होता है, और प्लाज्मा में पानी कितना होता है, 92%, और जो 8% जो बच गया उसमें अन्य चीजें, कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम है, ऐसे कुछ करके सारी चीजें किसमें होते हैं, बाकी 8% के अंदर होती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये ध्यान रखना, पहला रक्त सकंदन में विटामिन की बात करें तो के, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करता है तो प्रोटीन की अगर बात करेगा तो वो फाइब्रिनोजन होगी या फाइब्रिनोजन जिसको हम बोलेंगे, वो क्या होगी, प्रोटीन कौन सी होगी, फाइब्रिनोजन, कौन सी होगी, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहा है ये, देखो ये ध्यान रखना भाई, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के सकंदन में नहीं था तो वो क्या हो जाएगी, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन। ठीक है, 55% भाग होता है प्लाज्मा रक्त का, 92% प्लाज्मा में क्या होता है, पानी, 8% में अन्य कोई प्रोटीन है, एंजाइम है, ये होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण, देखो ध्यान देना भाई, रक्तचाप, ठीक है, उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, ये आपसे पूछा है, समदाब से, ट्रांस ड्यूसर से, मैनोमीटर से, मरकरी कॉलम से। देखो आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारा बीपी चेक करता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो होता है शरीर का वो जो चेक करता है। आजकल तो क्या आगे डिजिटल भी आए हुए हैं, ठीक है, जो लगभग जो होता है पहले इस शेप में, जैसे मानो एक ये इस तरह का होता है, उसमें एक ये बीच में इस पे कुछ यूनिट्स लिखी हुई होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला तो ध्यान देना, इसमें मरकरी क्या भरा होता है, इस बीच में एक जो ट्यूब होती है ना उसमें क्या होता है, मरकरी भरा होता है यानी पारा भरा हुआ होता है, ठीक है। और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जो डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर मापक जो यंत्र का जिसको नाम क्या देते हैं भाई, बीपी जो मापता है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर जो बीपी मापता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या बोला जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या बोला जाता है बीपी मापने वाले यंत्र को, स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है, ठीक है, या रक्त दाब मापी हिंदी में अगर इसको बोले, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश वाला वर्ड ही पूछता है, रक्त दाब मापी, क्या बोलते हैं इसको, रक्त दाब मापी। ध्यान देना इसमें क्या भरा होता है, पारा, ठीक है, और इसमें
आपने देखा होगा दो ट्यूब्स, दो नलकियां, इस तरह से दो नलकियां जुड़ी होती हैं, एक पर एक क्या होता है लास्ट में, जिसको डॉक्टर दबाता है, पंप लगा हुआ होता है, और एक नलकी कहां पर जुड़ी हुई होती है, यहां पर एक ऐसे जो पट्टी सी होती है उसमें जुड़ी हुई होती है, जो कलाई पर बांधी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ये होता है, इसके बारे में पूछा इसने कि हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जो मरकरी कोलम है हमारा, इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका, मरकरी कोलम से जुड़ा हुआ होता है। रुधिर दाब मापी या रक्त दाब मापी, जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, इस पर इससे हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो मापा जाता है। अब एक पॉइंट यहां पर और नोट कर लेना भाई, स्फिग्मोमैनोमीटर जो रक्त दाब मापी है, उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, आविष्कार जो किसने किया था, आविष्कार डॉक्टर, नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट कर लेना, किसने किया था, डॉक्टर रिगरोसी, डॉक्टर रिगरोसी, ठीक है, क्या आ जाएगा, डॉक्टर रिगरोसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, डॉक्टर रिगरोसी किसने किया था, डॉक्टर रिगे रोसी ने, किसने किया था भाई, डॉक्टर रिग रोसी ने, किसका, स्फिग्मोमैनोमीटर का जो आविष्कार किया था वो किसने, डॉक्टर रिग रोसी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। कौन सा समूह यूनिवर्सल दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, एक तो डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर मतलब ऐसा रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है, जो क्या कर सकता है, सभी को रक्त दे सकता है भाई, ठीक है, और एक ऐसा है जो सभी से रक्त ले सकता है, कौन सा भी रक्त समूह हो उससे रक्त वो ले सकता है। तो यूनिवर्सल अगर डोनर की बात करें तो वो क्या होगा, ओ, रक्त समूह जो ओ होता है वो क्या कर सकता है, सभी को रक्त दे सकता है भाई, ठीक है, और जो ए बी होता है ये सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है, यानी सभी के से रक्त प्राप्त कर सकता है, यानी रक्त को ले सकता है, ये सभी से ग्रहण कर सकता है, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सर्वदाता, यानी सर्वदाता तो इसको बोलेंगे ए ओ को, और सर्वग्राही, याद रखना भाई इसको सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वग्राही मतलब ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही मतलब ग्रहण कर सकता है, ये सभी से ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां थोड़ा मैं बताता हूं, जो रक्त समूह होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, और ए बी, ये मोस्टली रक्त समूह होते हैं, ए बी और ए ओ, ठीक है, आया इतना समझ में, आगे चलते हैं। कौन सा रक्त समूह नहीं है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया, बताया था मैंने आपको ए बी रक्त समूह होता है, ए बी भी होता है, ओ भी होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कोई भी रक्त समूह नहीं है। आगे चलते हैं, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, अभी भी पढ़ाया था, रिपीट है क्वेश्चन, किसको, ओ, और सर्वग्राही किसको, ए बी, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। वह विकल्प जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब जो संवहनी यानी जो हमारा जो रक्त जो तंत्र हम पढ़ रहे हैं उससे ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे संबंधित सत्य नहीं है, जो संवहनी तंत्र है हमारा उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ध्यान देना। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है,
देखो रक्त क्या होता है, रक्त को हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, संयोजी ऊतक के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये विकल्प सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। दूसरा है, एक व्यक्ति व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, वयस्क व्यक्ति में। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से लेकर के 1.8% होता है। ध्यान देना अभी यहां से, ये हमारा पहला जो है ये क्या है, सही है, ठीक है, ये क्या है, सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल, जो आरबीसी होती है, यानी आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होती हैं भाई, रेड ब्लड सेल्स। अन्य नाम क्या होता है आरबीसीज का, आरबीसीज को ध्यान देना भाई, आरबीसीज को ल्यूकोसाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है किसको, आरबीसीज को, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहां से एक और समझ लेना, इनका जो जीवन काल होता है ना, एवरेज 120 दिन होता है, ठीक है, कितना, 120 दिन एवरेज होता है आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का 15 से 20 दिन, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है भाई, 15 से 20 दिन के लगभग जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो होता है रुधिर में जो पाया जाता है तीसरा, वो प्लेटलेट्स होती हैं, क्या होती हैं, प्लेटलेट्स जिनको बोलते हैं, ये रुधिर में पाए जाते हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखो जिस तरह से हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं ना आरबीसी को, उसी तरह डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे भाई, इरिथ्रोसाइट्स। तो इनका जो कार्य जो होता है वो कितना बताया था आपको, 15 से 20 दिन, ठीक है, 15 से 20 दिन, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, 6.8 लीटर क्या होता है, रक्त। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7, अब ध्यान देना, जो रक्त होता है मानव शरीर में 6 से 7, एक जो वयस्क शरीर होता है ना उसमें 6 से 7 लीटर के लगभग रक्त पाया जाता है। और ये जो शरीर के वजन का जो होता है ना, शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत, ये इसने पूछा है, लगभग कितना प्रतिशत के आसपास होगा भाई बताओ, 7 से 8%, 7 से 8% के बराबर ये हो जाएगा। तो आपका जो रॉन्ग आंसर इसमें हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आपका, यानी कि ये गलत है। तो आपका आंसर क्या है यहां पर, डी ही है, गलत इसने पूछा है, सत्य नहीं है ये पूछा है, ठीक है। 6 से 7 लीटर होता है ये जो वजन है उसका, 7 से 8% के आसपास होता है, 7 से 8%। और एक चीज और यहां से नोट कर लेना, एक चीज और यहां से नोट करना, शरीर का 1/13, ध्यान देना भाई, 1/13 जो भाग जो घेरे रहता है वो कौन घेरे रहता है, रक्त, लगभग 1/13 भाग जो रक्त है वो घेरे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, परिसंचरण, देखो दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट होकर के आ गया, ऑप्शन पे ध्यान दो, जल्दी से बोलो, रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7-8% होता है, अभी अभी बताया था आपको, लाल रुधिर कणिकाओं का जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका आयु 115 से 120 दिनों की होती है, यह भी सही है। वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है,
केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है। तो यहां से आपका आंसर क्या निकल के आएगा भाई, जो गलत है वो ये है, ठीक है। वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 7 लीटर आपको बताया था, तो 6.8, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, सामान्य मानव रक्त है, सामान्य मानव रक्त के बारे में पूछा है भी इसने, ये जो रक्त है ये उदासीन प्रकृति का होता है, हमारा रक्त अमलीय होता है या अक्षारीय होता है, ठीक है, या थोड़ा अक्षारीय होता है, या अमल या अक्षार में परिवर्तनशील होता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। देखो इसको समझने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक हम पढ़ते हैं पीएच मान, जो पीएच वैल्यू हम पढ़ते हैं पीएच वैल्यू, ठीक है, तो रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.3 से 7.5। अब देखो ये आंकड़ा ऐसे भी हो सकता है, कई बार किसी ऑप्शन में आपको ये दे दे 7 से 7.5, तो इसको भी हम सही बोलेंगे, लेकिन 7 से कम नहीं जाएगा, ध्यान रखना 7 से कम नहीं जाएगा, क्योंकि जो रक्त होता है ना, और 7.5 से ज्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर ये ज्यादा अक्षारी जो प्रकृति है, ठीक है, उसमें काउंट होने लग जाएगा, तो ये जो आपका आंसर यहां से आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रक्त क्या होता है, थोड़ा अमलीय होता है, अक्षारीय, अमलीय तो तब होगा जब 7 से नीचे पीएच होगा, लेकिन ये क्या है, 7 से और 7.5 के बीच है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अक्षारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा अक्षारीय हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त दाब है वो इसने पूछा है, सभी को ध्यान होगा यहां से हम 2-3 चीजें इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापते हैं, तो ये जो यूनिट होती है हमारी 120 से 80 के बीच होती है, क्या होती है, 120 से 80। अब ध्यान देना एक चीज और, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि रक्त दाब किस में मापा जाता है, हमेशा MMHG में मापा जाएगा, अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसे होगा MMHG 120/80 MMHG, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा ध्यान देना भाई यहां से, ये जो है 120 जो अपर लिमिट होती है ना, 120 ऊपर की लिमिट जो होती है और 80 नीचे की लिमिट होती है, ठीक है, 80 120 होता है, तो ये क्या होता है भाई, इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, 120 क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है, इससे ऊपर जो चला जाएगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर के अंतर्गत काउंट होगा, ठीक है, और 80 से नीचे आ जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डायास्टोलिक, इसको क्या बोलते हैं, डायास्टोलिक, इसको क्या बोलेंगे, डायास्टोलिक। इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, कई बार ये रक्त दाब सीधा ना देकर के ये पूछता है कि सिस्टोलिक का मान क्या होता है, रक्त दाब के संबंध में सिस्टोलिक क्या होगा, 120 mmHg, और डायस्टोलिक क्या होगा, 80 हो जाएगा, डायस्टोलिक क्या हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो रक्त दाब होता क्या है, जो हमारे शरीर में जो धमनियां होती है ना, धमनियों के ऊपर पड़ने वाला जो दाब होता है उसी को क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है भाई, धमनियों पर पड़ने वाला जो दबाव होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रक्त दाब, ठीक है, आया इतना समझ में। आगे चलते हैं, रक्त को कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। अब ध्यान देना भाई एक चीज का, यहां से कई बार क्वेश्चन आपने नॉर्मल ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा कि O2 ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है रक्त में, यानी रक्त में ऑक्सीजन जो होती है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है भाई बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं, ठीक है,
ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब कई बार ये पूछता है कि रक्त में जो ऑक्सीजन है वो किसमें पाई जाती है? आरबीसीज के अंदर। अब ये कहता है कि घटक जैसे भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन कौन करता है? तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लाज्मा। कई बार इसका कलर भी पूछ लेता है भाई, ध्यान देना। प्लाज्मा जो होता है शरीर में हल्के पीले रंग का होता है। ये जो ब्लड होता है हमारा उसका 55% भाग होता है प्लाज्मा, ठीक है? कितना भाग होता है? 55%, और बाकी जो बच गया, ठीक है, और 55% में जो प्लाज्मा होता है उसमें 92% क्या होता है? वॉटर होता है। उसमें 92% क्या होता है भाई? वॉटर होता है, पानी होता है, ठीक है। आगे देखो, मानव शरीर का पीएच 70 होता है, मानव शरीर का पीएच। अभी मैंने आपको ब्लड का बताया था, ठीक है, क्या बताया था? ब्लड का बताया था। अब देखो, मानव शरीर का 7 से लेकर के 7.8, मानव शरीर 7 से 7.8, तो हमारा आंसर तो ये हो गया 7 से 7.8। अब यहां 7 वाला ये आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, 7 से लेकर के अगर मैं 7.5 बोलता हूं तो क्या आ जाएगा? किसका आ जाएगा? 7 से 7.5 ब्लड का आ जाएगा, 7 से 7.5 किसका आ जाएगा? ब्लड का, यानी रुधिर का आ जाएगा, ठीक है। और 7 से 7.5, अब ये भी पूछता है, कई बार आता है, मानव मूत्र ये किससे किस में आ जाएगा? 5.5 से 7.5 के बीच, ठीक है। लार का, लार 6.5 से 7.5। आगे अलग से टॉपिक भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लार का पहले भी बताया था आपको पीछे टॉपिक में, 6.5 से लेकर के 7.5 तक किसका होता है? लार का, ठीक है। ध्यान रखना, मानव शरीर 7 से 7.8, ब्लड का जो रुधिर है हमारा थोड़ा अक्षारी होता है, 7.5 या 7.3 भी दे सकता है किसी में ऑप्शन में, या 7 से 7.5 एक आंकड़ा ऐसे याद रख लेंगे। मानव मूत्र 5.5 से 7.5, लार का 6.5 से 7.5। आगे चलते हैं, रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन के लिए, अभी अभी बताया था आपको, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स, नाइट्रोजन युक्त कचरा O2 भोजन, उसका परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। प्लेटलेट्स ये भी क्या होती है, जैसे थक्का वगैरह जमाने में प्लेटलेट्स की भी सहायता होती है। ये बताओ किसके काम आते हैं शरीर में? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जल्दी बोलो भाई, व्हाइट ब्लड सेल्स किसके काम आती हैं? ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है, रोग प्रतिरोधक अक्षमता, रोग प्रतिरोधक जो अक्षमता है वो कौन प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक अक्षमता कौन प्रदान करते हैं? ठीक है, WBC जो है वो हमें क्या प्रदान करते हैं? रोग प्रतिरोधक अक्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक अक्षमता वो कौन प्रदान करते हैं भाई? WBC, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? वही आ गया, कौन सा घटक? रेड ब्लड सेल्स, RBC। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय, देखो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायवीय, वायवीय मतलब वायवीय से हम बना लेंगे वायु, यानी वायु की उपस्थिति में श्वसन, ठीक है। और वायु में क्या होता है? वायु में क्या होता है भाई? वायु में ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको वायवीय श्वसन कहा जाएगा। और अवायवीय श्वसन क्या होगा? जो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहेंगे।
उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को, उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन सा जो उत्तक है जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनके व्यास में चेंज आता है, उनके व्यास में चेंजमेंट होता है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, मांसपेशी। देखो मांसपेशी जो शरीर में होते हैं ना, ये शरीर के आकार को चेंजमेंट वगैरह करने के लिए इस तरह से काम आती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हड्डियां, हड्डियों का आकार जो व्यास को नहीं बदल सकता रक्त वाहिका के व्यास को, तो रक्त वाहिकाएं जो इसमें किससे संबंधित हो जाएगा भाई, मांसपेशी से संबंधित आएगा। सॉरी आगे चलते हैं। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही पढ़ाया था कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जिसमें 92% क्या होता है, जल, और रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है ये पूछे तो 55% आएगा भाई। ये वैल्यू कितनी आएगी, 55% आएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, पल्स रेट। आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर एक पल्स रेट हमारी चेक करता है। क्या चेक करता है भाई, पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट किसकी होती है, यानी पल्स रेट किसको बोलते हैं, जो हृदय की धड़कन होती है ना, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए क्या चेक करता है डॉक्टर, पल्स रेट चेक करता है। तो हृदय यानी दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, यानी कि जो हमारा हृदय है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसके बारे में जानकारी के लिए क्या कहेंगे, किसका, पल्स रेट, किसकी जांच के लिए, दिन की फंक्शनिंग समझने के लिए। आगे चलते हैं। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है, कितनी होती है भाई, औसत प्रति मिनट जो सामान्य धड़कन होती है मानव दिल की वो कितनी होती है, बताइए जल्दी से, जल्दी बोलो कितनी होगी, बताइए 60 से लेकर के 100, 60 से लेकर के 100, इसको किसमें मापते हैं, बीपीएम। कई बार देखो इस यूनिट में भी कंफ्यूजन कर देता है, आंकड़ा सेम दे देगा, कहीं पर ये पीपीएम लगा देगा, कहीं पर बीपीएम लगा देगा, इसी तरह से लिखेगा इसको, कहीं पर ये एमएमएचजी लिख देगा। तो एमएमएचजी में किसको मापते हैं, एमएमएचजी में किसको मापते हैं, हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं एमएमएचजी में, और बीपीएम में किसको मापते हैं, बीपीएम का मतलब क्या होता है भाई, बीप पर मिनट, यानी जो हृदय है वो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी औसत जो पल्स रेट होती है वो 60 से 100 के बीच होती है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, अब इसको समझना भाई, एंजियोप्लास्टी आपने नॉर्मली सुना ही होगा, जो हमारा हार्ट अटैक हम बोलते हैं, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो रुधिर, जो हृदय तक, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उन तक जो रुधिर पहुंचाने वाली धमनियां जो होती हैं उनमें क्या आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, और उसी ब्लॉकेज को ठीक वगैरह करने के, ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, और उस सर्जरी को क्या कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। तो एंजियोप्लास्टी किस अंग पर की जाती है भाई, हृदय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हृदय आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, ध्यान देना भाई क्या पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, अब इसी को समझना भाई एक बार, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यहां से एक तो नाम निकल के आ रहा है आपका हिम, और एक ग्लोबिन, एक तो हिम और एक दूसरा क्या आता है, ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हिम और ग्लोबिन दो अलग अलग वर्ड है इसमें। तो हिम नाम का तो रंजक पाया जाता है, ध्यान देना भाई, हीमोग्लोबिन में हिम नाम का क्या पाया जाता है, रंजक, हिम नाम का क्या पाया जाता है, रंजक, और ग्लोबिन नाम की क्या पाई जाती है, ग्लोबिन,
ग्लोबिन नाम की हम बोलते हैं इसको प्रोटीन। ग्लोबिन नाम का क्या पाया जाता है भाई? प्रोटीन पाई जाती है। और ये क्या होती है, जो ग्लोबिन होता है ये लो युक्त होता है, तो लो युक्त प्रोटीन। ठीक है, क्या जाएगा यहां पर आपका? तो हीमोग्लोबिन क्या जाएगा भाई? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो क्या आ जाएगा भाई? लोहा आ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु क्या जाएगा बताइए? लो युक्त प्रोटीन, तो क्या आ जाएगा? लोहा आ जाएगा। यहां पर एक चीज का और ध्यान देना भाई, हीमो जो ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें एक चीज आपने और पढ़ा होगा, हिमैटिन, हिमैटिन, हिमैटिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? एक हिमैटिन नामक तत्व पाया जाता है। हिमैटिन नामक क्या पाया जाता है भाई? एक हिमैटिन नामक तत्व पाया जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि यौगिक, एक लो युक्त यौगिक पाया जाता है, लो युक्त यौगिक। तो ध्यान रखना, ग्लोबिन पूछे तो किसमें? हीमोग्लोबिन में, हीम नामक रंजक। ग्लोबिन लो युक्त एक प्रोटीन पाई जाती है, और लो युक्त एक यौगिक पूछे तो क्या पाया जाता है? वो हिमैटिन नामक यौगिक पाया जाता है, लो युक्त। ठीक है, लो युक्त हिमैटिन नामक यौगिक पाया जाता है। आगे चलते हैं, हीमोग्लोबिन खालिस्तान में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है भाई? रक्त में। आगे चलते हैं, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन, अभी अभी बताया था आपको, कौन सी प्रोटीन हीमोग्लोबिन में, कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन नामक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लोबिन। हिम नामक क्या होता है? रंजक होता है। हिम नामक क्या होता है? रंजक। रिपीट हो रहे हैं भाई क्वेश्चन बार बार, इनको अच्छे से पढ़ते रहना। मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बढ़ाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट की बात कर रहे हैं, खालिस्तान छोड़ते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब देखो यहां पर, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, सुक्रोज या फ्रक्टोज। अब आपको कंफ्यूजन जो हो सकता है ना, वो यहां पर होगा, फाइब्रिन या प्रोथ्रोम्बिन। कहां पर होगा? फाइब्रिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो मानव रक्त जो प्लेटलेट्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्लेटलेट्स में क्या पाया जाता है भाई? प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। और प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन जो रक्त होता है, उसमें क्या पाया जाता है? रक्त जो सकंदन में होता है, जो प्लाज्मा में अगर आपसे पूछे तो, प्लाज्मा प्रोटीन में अगर आपसे पूछता है तो बताइए, उसमें क्या बताया था आपको मैंने? फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, उस पर ध्यान दो। प्लाज्मा प्रोटीन में सकंदन के लिए क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा भाई? प्लेटलेट्स में अगर पूछता है तो प्रोथ्रोम्बिन। क्या आ जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। रक्त में सफेद रक्त कण खालिस्तान दे दिया इसने भाई। जो सफेद रक्त कण है, जो हमारे पास WBC है, उसके बारे में अभी अभी बताया था, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी संक्रमण से बचाते हैं। किससे बचाते हैं भाई? संक्रमण से बचाते हैं। कौन? WBC। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो भाई, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय, नोट कर लेना भाई, नया ही क्वेश्चन है, बहुत कम मिलेगा आपको देखने के लिए किसी बुक में। मानव का खून बहने का समय और जमने का जो समय है, वो क्रमशः क्या होता है? उसका टाइम पूछा है इसने भाई। खून बहने का समय और जमने का समय, इस चीज का इसने टाइम अपने से पूछा है, तो वो टाइम क्या होगा? ये आ जाएगा भाई आंकड़ा इसका, 2 से 7 जो मिनट है उसमें, वो तो खून बहने का समय होता है, और 3 से 10 मिनट ये क्या होता है? जमने का समय होता है। क्या होता है? जमने का समय। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन,
जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है वो प्लाज्मा में बनता है, और विटामिन के जो होता है, विटामिन के कहां बनता है? विटामिन के शरीर में यकृत में बनता है, इसको भी नोट कर लेना चाहिए। विटामिन के कहां पर बनता है? यकृत में। जब विटामिन के की सहायता से फाइब्रिनोजन, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन इनका जो मेल होता है, तब एक जाल की सी आकृति बन जाती है भाई। जो मान लो इस तरह से जो जाल बन गया, जहां पर भी चोट लगती है वहां पर क्या बन जाता है? जाल जो हमारा होता है ना, वैसी आकृति बन जाती है, और जिससे क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब दो चार चीजें और बताता हूं आपको, जो क्वेश्चन में रिपीट नहीं हुई है लेकिन वो बार बार पूछी जाते हैं, हो सकता है आगे की स्लाइड हमले उनमें वो रिपीट हो जाए, लेकिन ध्यान देना। जो आपका परिसंचरण जो तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र, एक तो होता है रक्त समूह भाई, रक्त समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी? रक्त समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर। और दूसरा परिसंचरण तंत्र, जो हमने आज टॉपिक शुरू किया है, रक्त परिसंचरण तंत्र ही तो है। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज पूछे, दोनों अलग अलग चीज है भाई। परिसंचरण तंत्र की खोज अगर पूछता है तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी भाई? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर। और एक रक्त समूह में आपने पढ़ा होगा आरएच फैक्टर होते हैं। आरएच फैक्टर को दूसरा नाम क्या बोला जाता है भाई, बताइए? आरएच फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? आरएच फैक्टर को रिसेस फैक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आरएच फैक्टर को? रिसेस फैक्टर भी बोला जाता है आरएच फैक्टर को। अब ये बताइए, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, तो ये आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच जो फैक्टर है उसकी खोज की थी भाई लैंड स्टीनर ने। आरएच फैक्टर, लैंड स्टीनर वे विनस, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप जो होता है ना उसमें लिखते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या होते हैं? आरएच फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की? लैंड स्टीनर और विनस ने। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको रिसर्च फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपके आरएच फैक्टर हैं, आरएच फैक्टर, ये रिसस नामक बंदर में खोजे गए थे भाई। सबसे पहले इन दोनों वैज्ञानिकों ने, लैंड स्टीनर और विनस ने, रिसस नामक बंदर में आरएच फैक्टर की खोज की थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हो सकता है इसमें आगे रिपीट भी हो जाएंगे क्वेश्चन आगे की जब हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक को, लेकिन यहां तक इसमें ध्यान रखना। रक्त समूह लैंड स्टीनर विनस, आरएच फैक्टर लैंड स्टीनर व विनस, रक्त समूह लैंड स्टीनर, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। ठीक है, क्या आ जाएगा? विलियम हार्वे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास में। अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, समझ में आ रहा है, और अगर तो क्लास को सभी जो ग्रुप्स वगैरह आपके पास या अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो भी क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।